भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं और यहां सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर में ये दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर सिंह हमारे बीच नहीं रहे। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, जहां सोशल मीडिया यूजर्स ने मनमोहन सिंह के निधन की खबर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिख दिया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको यहां पर नजर आ रही होंगी, जहां सोशल मीडिया पर डॉक्टर सिंह के निधन को लोगों ने सच मानकर उन्हें श्रद्धांजलि तक देना शुरू कर दिया। डॉक्टर सिंह के निधन की खबर ने जोर उस वक्त भी पकड़ा जब झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने उनको मृत बताकर उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन तक करवा दिया, एक मिनट का मौन भी रखा। आपको बता दें, जब मनमोहन सिंह के निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैली, चारों तरफ हड़कंप मच गया। इस खबर की जांच पड़ताल की गई और मालूम पड़ा डॉक्टर सिंह पूर्ण रूप से ठीक हैं। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि डॉक्टर सिंह की हालत पहले से काफी ज्यादा ठीक है। उनके निधन की खबर पूरी तरह से अफवाह है। एम्स के प्रो अधिकारी बीएन आचार्य ने इस बारे में बताया कि डॉक्टर सिंह की तबीयत पहले से बेहतर है, वो रिकवर कर रहे हैं। जब इन वायरल खबरों के जांच पड़ताल किए गए तो पता चला कि यहां पर ये खबरें पूर्ण रूप से फेक हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है वो उस दौरान की है जब डॉक्टर सिंह से मुलाकात करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया एम्स पहुंचे थे। एम्स जाकर उन्होंने डॉक्टर सिंह से मुलाकात की थी, डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। यानी निधन की ये खबर पूर्ण रूप से फेक है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।